कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, मैं विश्वास करती हूँ। आप सब कहानी सुनने के लिए तैयार है? तो चलिए, आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनेंगे। एक बहुत ही बड़ा जंगल था, और पता है उस जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, बहुत सारे अलग अलग तरह के पक्षियाँ वहाँ पे रहती थी, अलग अलग तरह के जानवर रहते थे, अलग अलग तरह के वहाँ पे पक्षियाँ रहती थी। लेकिन पता है उस जंगल में कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। वो जंगल में कितने सारे जानवर रहते हुए भी वो जंगल बड़ा ही शांत जंगल था, इसके लिए उस जंगल को सब शांत जंगल बुलाते थे। तो उस जंगल में एक दिन एक बंदर आता है, तो वो सोचता है अरे ये जंगल कितना बड़ा है ये, लेकिन कितना शांत है, इसमें कोई जानवर कोई पक्षी कोई रहता नहीं है क्या इस जंगल में करके। वो ऐसे यहाँ वहाँ देखता है, वहाँ उधर पूरे उस जंगल को घूमकर आता है, तो देखता है यहाँ पे तो कितने सारे जानवर रहते हैं, कितने सारे पक्षियाँ रहती है, अलग अलग तरह के पक्षियाँ रहती है, लेकिन फिर भी कोई भी जानवर आपस में बात ही नहीं करता है यहाँ पे तो, और कोई भी पक्षी आपस में बात नहीं करता है करके वो बंदर अपने मन में ऐसा सोचता है कि क्यों ऐसा इन लोग कर रहे हैं। इतना बड़ा जंगल है, इतने सारे जानवर रहते हैं, इतने सारे पक्षी रहते हैं, लेकिन कोई भी आपस में बात नहीं करता, ये क्या बात है करके वो बंदर सोचता है। तो वो ऐसे ही जंगल में चल के जा रहा होता है, वो उसको सामने से एक भालू दिखता है। तो वो बंदर क्या करता है, भालू से जाके बात करना शुरू करता है। अरे भालू जी आप मेरे दोस्त बनोगे क्या करके वो बोलता है। तब वो भालू को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है कि तू कौन है मेरे से दोस्ती करने वाला, मैं कैसा हूँ और तू कैसा है, देख हम दोनों के बीच में कोई दोस्ती हो ही नहीं सकती है, तू भी यहाँ से भाग जा नहीं तो मैं तुझे मार डालूँगा, इस जंगल को छोड़ के भाग जा करके वो भालू चिल्लाता है। तब वो बंदर वहाँ से निकल जाता है, और ऐसे ही थोड़े दूर जाता है उसको वहाँ पे जंगली भैंस मिलती है, तो वो उससे बात करना शुरू करता है बंदर। अरे आप मेरे से दोस्त बनोगे क्या करके वो भैंस से पूछता है। तब वो भैंस क्या बोलती है कि यहाँ से भाग जा नहीं तो मैं तुझे मार दूँगी, हम दोनों में कोई दोस्ती नहीं हो सकती है, तो यहाँ से निकल जा करके वो भी उसको वैसा ही बोल देता है। तब वो थोड़ा और दूर जाता है, थोड़ा दूर चल के जाता है, उसे दूर से एक कौन दिखता है, एक जिराफ़ी दिखती है, एक ऊँट। तब वो ऊँट से जाके पूछता है, ऊँट जी क्या आप मेरे दोस्त बनोगे करके वो बंदर पूछता है। तब वो ऊँट बोलता है कि क्या बात कर रहा है, वो हंसने लगता है, मेरे और तेरे में दोस्ती कभी भी नहीं हो सकता है भाई, तो यहाँ से भाग जा करके उसने भी ऐसा ही बोल दिया। तब इस बंदर को ये बंदर ऐसे ही उदास से वहाँ से चला जाता है। फिर वापस दूसरे दिन जब वो उस जंगल में ऐसे ही टहल रहा होता है, तब उसे वही भालू मिलता है जो उसे कल मिला था, तो वो उससे जाके बात करता है। अरे भालू जी आज तो आप मेरे दोस्त बनोगे ना करके, तब वो बोलता है, वो भालू बोलता है मैंने तुझे कल ही बोला था मैं तुझे मार डालूंगा, तो यहाँ से निकल जा करके भाग जा करके, लेकिन फिर भी तो आज मेरे पास आया दोस्ती के हाथ बढ़ाते हुए करके। तब वो बंदर ने बोला कि अभी तो हम जान पहचानते हैं, मुझे याद है कल आप मेरे को मारने के लिए आने वाले थे, मैंने आपसे कल बात की थी, वैसे तो अभी हम जान पहचान हो गए ना, आप तो मुझे जानते हो, तो आप मेरे दोस्त बन सकते हो, ऐसा करके वो बंदर बोलता है। तब वो भालू बोलता है कि इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा करके। तब वो बंदर बोलता है यहाँ पे जो भी हनी के मधु के छत्ते हैं वो सब मैं आपको कहाँ कहाँ पे करके पेड़ में सब मैं देख देख के चढ़ के आपको बता दूंगा करके। तब वो भालू ने बोला ठीक है चलो सही है करके, वो भालू और बंदर दोस्त बन जाते हैं। फिर थोड़े दूर जाते वो उसको जो जंगली भैंस कल दिखा था वही दिखता है, तो वापस वो भैंस के पास भी जाता है, बोलता है आप मेरे दोस्त बनोगे ना करके। तब वो भैंस बोलता है कि क्या है तेरे को, मैंने तेरे को कल ही मना कर दिया था, मैं तुझे यहाँ से जाने बोला, लेकिन तू वापस आज मेरे पास आ रहा है दोस्ती के लिए। तब बंदर ने बोला देखो आप मेरे को याद है, लेकिन अभी तो आप मुझे जानते हो ना, कल आपने मेरे से बात की थी तो आप अभी मेरे को जानते हो करके वो बंदर बोलता है, तो आज तो आपको मेरा दोस्त बनना पड़ेगा करके। तब वो भैंस ने बोला कि मेरा क्या लाभ होगा अगर मैं तेरा दोस्त बनूंगा तो। तब
वो बंदर बोला कि आपको जहाँ पे भी हरे हरे लंबे लंबे घास मस्त दिखेंगे, मैं आपको पेड़ में चढ़कर दूर दूर जहाँ जहाँ पे है वो आपको देखकर मैं बता दूंगा, और आपको बस वहाँ पे जाके खाना होगा करके। तब वो भैंस सोचता चलो अच्छा है करके, तब वो दोनों वैसे दोस्त बन जाता है, और जिस जिस से वो सब मिलता है सबको वो वैसे अपना दोस्त बना देता है, और वो उस जंगल को खुशहाल कर देता है। सब आपस में बात करने लगते हैं, सबकी दोस्ती हो जाती है बीच में, ऐसा वो बंदर कर देता है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने मिला? हमें उस बंदर के जैसे एक मेल मिलाप कराने वाले रहना चाहिए, क्योंकि जैसा वचन कहता है मत्ती 5:9 में, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, है ना। तो हमको कैसा होना चाहिए? एक खुशी बांटने वाले, शांति बांटने वाले, आनंद को बांटने वाले होना चाहिए, है ना। तो ये सब पहले हमारे अंदर भरा रहेगा तो ही हम दूसरों को दे पाएंगे, है ना, दूसरों के साथ हम उसे बांट पाएंगे। तो क्या करना है हमें? यीशु मसीह ने हमें उनका आनंद, उनका शांति दिया है क्रूस पे, है ना। तो उससे हमें उनके सम्मुख में बैठे रहेंगे तो हम उसको, उनसे पूरा हम भरपूर हो जाएंगे, तभी हम दूसरों को बांट पाएंगे। हम एक मेल मिलाप कराने वाले रहेंगे, शांति को बांटने वाले रहेंगे, है ना। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको कहानी अच्छा लगा होगा। तो हम अगली बार मिलेंगे। बाय।